क्या फिर से होने वाला है सिद्धू मूसेवाला का जन्म? क्या सिद्धू मूसेवाला के माता पिता जल्द सुनाने वाले हैं खुशखबरी? जी हाँ, सही सुना, माँ चरण कौर अगले महीने बच्चे को जन्म देने वाली हैं। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स एक बार फिर से नन्हे बच्चे को खिलाने वाले हैं। दरअसल चाचा चमकौर सिंह ने चरण कौर सिंह के मां बनने की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन परिवार में पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। बता दें, शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की माता चरण कौर अगले महीने एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चरण कौर IVF तकनीकी के जरिए प्रेग्नेंट हुई हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये पहली बार होगा जब गायक के घर में खुशी की गूंज सुनाई देगी। सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी हत्या के बाद बुजुर्ग माता पिता का कोई सहारा नहीं रह गया, इसलिए सिद्धू परिवार के वारिस को लेकर उनके फैंस लगातार दुआएं मांग रहे थे। यही वजह है चरण कौर सिंह IVF तकनीकी के जरिए प्रेग्नेंट हुई हैं। अब खबर है वो मार्च के महीने में बच्चे को जन्म देंगी। चाचा चमकौर सिंह ने चरण कौर सिंह के मां बनने की तो पुष्टि कर दी है, लेकिन परिवार में पिता बलकौर सिंह माता चरण कौर सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बता दें, 29 मई 2022 को पंजाब के मनसा जिले में मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। मूसेवाला युवकों के बीच में काफी फेमस थे। मूसेवाला ने अपने गाने खुद लिखे और बनाए भी थे। उनकी हत्या के बाद से उनके कई गाने रिलीज हुए, लाखों में व्यूज भी आए। उनके फैंस को सिद्धू मूसेवाला की अक्सर यादें सताती थी। अटकल है कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह लोकसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि उनके पिता ने यह भी कहा था, राजनीति में आ जाने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराना लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। बता दें, सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से काफी ज्यादा माहौल खराब हो गया था। सिद्धू मूसेवाला के घर में गम छाया था, लेकिन अब पहली बार है कि मूसेवाला की हत्या के बाद से उनके घर में किलकारियां आएंगी। दिल्ली पुलिस ने दावा करते हुए कहा, हत्या से पहले 6 हत्यारे 15 दिन में 8 बार सिद्धू मूसेवाला के घर गाड़ी उनके रूट्स की रेखी कर चुके थे, लेकिन वे 8वीं बार में मूसेवाला की हत्या इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वो बुलेट प्रूफ कार और कमांडो के साथ चलते थे, लेकिन एक बार धाक लगाए बैठे लोगों ने मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। मूसेवाला की हत्या के बाद से उनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन अब मूसेवाला की तरफ से ये गुड न्यूज है कि उनके माता पिता जल्द ही एक नन्हे बच्चे को अपनी गोद में खिलाएंगे।